नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वीनेशन न्यूज। मन की बात की सबसे अधिक विशेष बात यह है कि ये प्रभाव डाल रही है। अच्छे नागरिक का निर्माण करती मन की बात की समय समय पर विपक्ष की आलोचना की शिकार हुई, लेकिन इसके 100 एपिसोड आते आते सबके भीतर अपने किए गए विरोध पर पछतावा भी हो रहा है। सकारात्मक की बातें यदि होती रहें, सबके उत्थान की बातें यदि होती रहें, सभी सबके सहयोग के लिए तत्पर हो जाएं, तो भारत की तस्वीर बदलेगी ही और देश का स्वरूप सबके लिए आशा की रोशनी बनकर आएगा। इस कार्यक्रम से ये सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने शुरुआती दिनों में ऐसा शायद ना सोचा होगा कि मन की बात का करिश्मा एक दिन भारत में मिसाल बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर शुरू किया और ये सिलसिला अब पहुंच गया अपने 100वें पड़ाव पर। ये सबसे खूबसूरत बात है कि हिंदुस्तान का नागरिक अपने अतीत से सीखता है, वर्तमान को संवारता है और भविष्य को भी बहुत ही आशावादी दृष्टि से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गंभीरता से इसका आकलन किया है। भारत के लोगों की आशाओं को और कैसे बढ़ाकर हम उन्हें राष्ट्र निर्माण में बदल सकते हैं। उन्होंने मन की बात की शुरुआत की और आशावादी राजनीति और परिवर्तनकारी भारत निर्माण के लिए भारत के लोगों को ही और उनकी उपलब्धियों को इसमें शामिल करके भारतीय मानस को बदलने की कोशिश करी। अब जबकि हम मन की बात अपने 99 एपिसोड से सबका दिल जीत चुकी है, तो प्रधानमंत्री ने अपने 99 कड़ी में कुछ भावुक करने वाली बातें कही, जिसका असर ये हुआ कि देश के अनेक भागों से अंगदान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। स्वच्छ भारत, एक श्रेष्ठ भारत, परीक्षा पे चर्चा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ भारत, कोविड सुरक्षा के अंतर्गत कोविड वॉरियर, नर्सों और पुलिस के सहयोग, महामारी के समय एकजुटता आदि के साथ योग, गीत, संगीत, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से दोस्ती, किताब के प्रति प्रेम, स्थानीय कलाओं और देशज कारीगरों को पहचान, ब्रांड की कीमत, ऐसे अनेक विषय हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने अब तक के अपने 99 एपिसोड में परिचर्चा की। हर घर तिरंगा, खेलो इंडिया हो या भारतीय सेना के जवानों को सम्मान देने की बात हो, इस पर उन्होंने हमेशा बल दिया है। अमृत महोत्सव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कोशिश करी है कि वह अपने अमर शहीदों के लिए सम्मान प्रकट करें। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायकों को मन की बात में भरपूर सम्मान मिला है। वे जन जन की जुबान पर अपनी शान के साथ स्मरण किए गए। बच्चों को खास तौर पर किशोर लेखकों को अपने जन नायकों, आजादी के नायकों के बारे में जानने के लिए उन्होंने आह्वान किया और साथ ही ये संदेश दिया कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लिखें और उन युवाओं के लिए प्रेरणा के सोत्र बने जो अपने जीवन में सृजनात्मक कार्य करके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। मन की बात में सारी बातें आई, सेवा के भाव जगे, सहयोग की भावना जगी, निष्ठा और समर्पण की भावना जागृत हुई। मन की बात का यह असर है और असर केवल इतना ही नहीं है, यह मन की गहराइयों में अब घर घर पहुंच गई है। प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेडियो अपने सुदृढ़ माध्यम के रूप में देश में कार्य कर रहा है। इसके श्रोता कम हो चुके थे, किंतु रेडियो ने अपनी रचनात्मकता नहीं छोड़ी। अब भी इसके 262 केंद्र चल रहे हैं। इसके सभी कार्यक्रम 23 भाषाओं और 140 डायलेक्ट्स में प्रसारित होते हैं। सूचना और संचार की अद्भुत क्रांति का समय है, तो रेडियो 11 विदेशी भाषाओं में भी अपना प्रसारण करता है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि मन की बात रेडियो का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है, जिसका पहला एपिसोड 14 मिनट का प्रसारित हुआ था, दूसरा 19 मिनट का हुआ और तीसरा 26 मिनट का प्रसारित हुआ। अब यह कार्यक्रम भारत की भाषाओं के साथ 19 डायलेक्ट्स में सुनाई जाती है। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि 100 करोड़ भारतीयों ने मन की बात सुनी है और करोड़ों इसके नियमित श्रोता हैं जो इसको सुनते हैं और लोगों को इसके विषय में चर्चा करते हैं। किसान हो, आदिवासी हो, युवा हो, स्त्री, वृद्ध, बच्चे, दिव्यांग, सब इसको सुनते हैं। इस उद्यम से एक बात सामने आई है कि सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री ने जन जन के मन के भीतर स्वीकार्यता बनाई है और अब भारतीय उन पर पूर्ण भरोसा करते हैं। विदेश में भी मन की बात कार्यक्रम अब अर्जेंटीना, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, माली, ग्रीस, ओमान, गुआना खाड़ी के देश
और जापान जैसे देशों में सुनी जा रही है। यह आधे घंटे का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को सुना जाता है। अहम बात यह है कि इसको विदेशों में जो भारतीय हैं वे बहुत ही तल्लीनता से सुन रहे हैं। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। मन की बात की सबसे अधिक विशेष बात यह है कि यह व्यक्तिगत प्रभाव डाल रही है और मन की बात से लोग प्रेरणा आत्मविश्वास पा रहे हैं। अच्छे नागरिक का निर्माण करती मन की बात की यद्यपि समय समय पर विपक्ष ने आलोचना की शिकार रही, लेकिन इसके 100 एपिसोड आते आते सबके भीतर किए गए विरोध पर पछतावा हो रहा है। सकारात्मक की बातें यदि होती रहें, सबके उत्थान की बातें यदि होती रहें, सभी सबके सहयोग के लिए तत्पर हो जाएं, तो भारत की तस्वीर बदलेगी और देश का स्वरूप सबके लिए आशा की रोशनी बन जाएगा। इस कार्यक्रम से यह सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने शुरुआती दिनों में शायद ऐसा ना सोचा होगा। मन की बात का करिश्मा एक दिन भारत में मिसाल बनेगा, किंतु ऐसा हुआ है। यदि देश में रेडियो संवाद का कार्यक्रम अपने मूल स्वरूप के साथ आगे बढ़ा तो निश्चय ही मन की बात का प्रभाव कुछ हटकर होगा, जो भारत निर्माण में सहयोगी साबित होगा। सबके मनोभावों को सम्मान देने के साथ सबकी गरिमा के अनुरूप भारत निर्मित करने की कोशिश निश्चय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वे सारी उपलब्धियां हासिल करने में मददगार साबित होने वाली है, जिससे भारत दुनिया में अपनी आत्मनिर्भरता के साथ खड़ा मिलेगा और इसकी इज्जत भी उसी अनुपात में बड़ी हुई मिलेगी। मन की बात की निरंतरता प्रधानमंत्री की आत्मा की निरंतरता है और उस आत्मा की शक्ति है भारत की आत्मशक्ति। भारत की बदली हुई छवि प्रत्येक भारतीय का सपना है। मन की बात के माध्यम से निश्चय ही उस सपने को साकार करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है और आने वाले समय में वैसे और भी सजगता, सहजता और गंभीरता से भारतीय जनता के भीतर ले जाएंगे। भारत का भविष्य निर्मित करने का यत्न करेंगे, क्योंकि यह तो भारत को गढ़ने की एक अनोखी पहल है। आने वाले अच्छे समय के स्वागत में हमें इन सवालों से जूझते हुए अच्छे प्रशंसक करने और आज सबके लिए चुनौती है। प्रधानमंत्री ने मन की बात से कोशिश करी है, पर दुनिया के सभी लोगों की भागीदारी निश्चय ही इसमें सहायक बनने वाली है, पर इसके लिए सबके संकल्प की शक्ति एक होने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।